हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्क क्या होता है और वर्क के किस टाइप से वर्क होता है। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, नेगेटिव वर्क डन कब होता है और जीरो वर्क डन कब होता है। और इस वीडियो का टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी क्या है कि एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी वर्क को करने की जो एबिलिटी है उसको क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। तो ये होती है एबिलिटी टू डू वर्क, यही वर्क डन है। कोई वर्क कर रहा है वो कितना वर्क करेगा, जिसके जितनी उस पर एबिलिटी होगी, और वही क्या है, उसकी एनर्जी है। तो कोई आदमी अपनी एनर्जी के इक्वल ही वर्क कर सकता है, तो एबिलिटी टू डू वर्क क्या है, उसकी एनर्जी है। अब एनर्जी जो होती है वो दो टाइप की होती है मैकेनिकली। अगर हम देखें, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो ये क्या है काइनेटिक एनर्जी? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में होने के कारण जो उस पर जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने के कारण उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये जो एनर्जी है ये क्या है? वर्क डन है। तो अब हम निकालेंगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी होती कितनी किसी ऑब्जेक्ट की। तो इसके लिए कंडीशन लेते हैं कि माना कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास एम है और इनिशियली ये रेस्ट में है। अब हमने क्या करा, इस पर एक फोर्स लगाया एफ, और ये बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये बॉडी यहां पहुंच गई, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मान लिया एस है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें क्या है, वर्क डन हो रहा है क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के बाद क्या है, बॉडी डिस्प्लेस कर गई, तो ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया। तो इसका जो ये वर्क डन है यही क्या होती है, उसकी एनर्जी होती है। तो वर्क डन होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बॉडी पे लग रहा है फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है। और जो एफ होता है फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, तो इसलिए वर्क डन की यहाँ पे अगर एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो गया, एम इंटू ए इंटू एस। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब यहाँ से हम ए इंटू एस की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो है, तो यू की वैल्यू जीरो हो गई, तो क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस हो गया। तो यहां से अगर हम ए इंटू एस की वैल्यू निकालें तो क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन टू, ये नीचे चला गया। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, एम ए इंटू एस की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन। तो ये जो वर्क डन है यही वर्क डन क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दिस वर्क डन विल बी, ये किसके कारण वर्क कर रहा है, उसके मोशन में होने के लिए वर्क कर रहा है। और ये क्या है, उसकी क्या होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जितना वर्क कर रहा है वो क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये मोशन में है इसलिए क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दिस वर्क डन विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ, ये इसको ऐसे लिख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मास तो फिक्स है, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए हम ले रहे हैं, तो मास फिक्स है। तो क्या हो गया, जितनी ज्यादा वेलोसिटी है उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। क्यों नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि मास कभी नेगेटिव नहीं होता है, और वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो किसी भी नेगेटिव पे अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए जो है काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और काइनेटिक एनर्जी है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने के कारण जो उसकी एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं एनर्जी।